लेना नेल पॉलिश है? कैसे दिया नेल पॉलिश? ओए आओ, नेल पॉलिश कैसे है? 20 रुपये। एक क्या यहाँ पर सुबह का आ गया नाश्ता बच्चों को, ये है ये पिस्ता है और ये चाय। चाय में आज थोड़ा दूध कम था कि कल दूध वाला नहीं आया ना, तो इसलिए दूध थोड़ी काली, चाय में हमारी थोड़ी काली हो गई है, कल दूध वाला नहीं आया है। मैसेज डाल दिया था पर हम दुकान से नहीं ले गए क्योंकि मैं परसों हमने 2 लीटर दूध ले लिया था, हमारे पास था, अभी आ जाएगा 11 बजे दूध वाला। बहुत दिन हो गए आप लोगों से चाय नहीं शेयर किया था। है नारियल तोड़ लिया और ये मैं अभी इसमें काट के डाल दी, इसमें हरी मिर्ची भी डालूंगी, थोड़ा सा जीरा भी डालूंगी। सामान मेरा बन के तैयार हो गया और यहाँ पर भिगा लिया है इमली, यहाँ पर रखी कलर वाली मिर्ची, तो इसको मैं यहाँ से डालूंगी। अभी पहले ये डाल दिया, यहाँ पर थोड़ा सा डाल देती हूँ नमक, क्योंकि लहसुन वगैरह इसमें डालना नहीं, लहसुन खाना नहीं, तो लहसुन डालूंगी। एक डाल दिया इसमें मिर्ची, ठीक है, हरी मिर्ची में धनिया है नहीं। कई तो आज यहाँ पर बनाया है, सांभर बनाया है, डोसा बनाया है और रायर की चटनी बनाया है, देख सकते हैं आप लोगों को मैंने दिखाई दिया। डोसे में देखिए यहाँ पर आज हमने 2 तावा चढ़ा दिया। क्यों 2 तावा चढ़ा दिया? क्योंकि बच्चे सब इकट्ठा बैठ गया खाने के लिए, तो 1 तावा तो अच्छे से नहीं निकल पाएगा, जल्दी नहीं हो पाएगा, इसीलिए डोसा क्या गर्म गर्म ही अच्छा लगता है। हमने लोहे का तावा उधर चढ़ा दिया एक तरफ और नॉन स्टिक तावा इधर चढ़ा दिया, तो जल्दी फटाफट हो जाएगा, 2 डोसा एक बार में निकलेगा तो कवर कर लेता, सब बैठ के इकट्ठा खा सकते हैं। तो बस यहाँ पर तावे में जब हमने तेल डाला तो तेल डालने में अच्छे से नहीं, क्योंकि हम प्याज से तेल लगाते हैं काट के, तो प्याज तो हम पितर महीना चल रही, लहसुन प्याज मैं पितर में नहीं खाती, हमारे घर कोई नहीं डाला, तो हमने इसी के कपड़े में तेल लगा के उसको अच्छे से तावे के पोस दी, क्योंकि कपड़े में तेल लगा के जब आप अच्छे से तावा पोस देंगे, साफ करेंगे ना, बहुत अच्छे से डोसा फैलेगा, अब बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, बशर्ते उसको 2 मिनट के लिए गर्म कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पेस्ट डाल दिया तवे में, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा डोसा यहाँ पर डल गया है। डोसा 5 मिनट में झटपट तैयार हो जाता है। मुझे तो इडली बनाने के लिए आलस आती है, पर मतलब कि डोसा बनाने मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मेरा 5 मिनट डोसा बन के तैयार हो जाता है। और यहाँ लोहे के तवे में हमने पेस्ट डाल दिया अभी यहाँ पर, और अच्छे धीरे धीरे स्लोली इसको करके चारों तरफ फैलाना है बहुत ही अच्छे से। तो अभी यहाँ पर हम थोड़ा सा ऊपर से ऑयल डाल दूँगी मैं, यहाँ पर तेल डाल देंगे, तेल डालने के बाद इसको थोड़ा सा, ज़्यादा तेल नहीं, थोड़ा एक ड्रॉप डालना है। तभी यहाँ पर डोसा हमारा हो चुका है, बस अभी डोसा यहाँ पर निकाल दूँगी और गर्मा गर्म डोसा बन के तैयार हो गया है। और अभी इधर का डोसा देख सकते हैं आप, नॉन स्टिक पैन में जो डोसा बनाया जला नहीं है, और लोहे के तवे में जो हमने डोसा आज बनाया है जल गई, यही मैं आप लोगों को दिखाना चाहती। लोहे में अच्छे से नहीं निकलता, नॉन स्टिक तवे में तेल भी कम लगता है, ज़्यादा नहीं लगता, हल्का से 1 ड्रॉप लगता है, और देख लीजिए बहुत ही अच्छे से डोसा निकल गया। डोसा निकलने के लिए और अच्छा पतला निकलता, पर थोड़ा क्या ये डोसा थोड़ा सा मैंने थिक कर दिया, थिक इसलिए कर दिया यानी मोटा कर दिया इसलिए कि बच्चों को क्या रहता है, जिस तरह एक रोटी बोलते ना मम्मी मुझे एक ही रोटी खानी है, तो रोटी जैसे थोड़ी सी मोटी कर दो कि तो चलो भाई बच्चे हैं खा रहे हैं, 1 रोटी बजाय 2 रोटी हुई, उसी थोड़ा सा मैंने डोसा भी मोटा कर दिया, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं बस एक ही दो खाएंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे। मैंने कहा थोड़ा सा मोटा कर दूँगी, ज़्यादा बढ़िया अच्छे से खाएंगे, पेट भी इनका भर जाएगा। बच्चे खाने पीने के लिए बर्गर पिज्ज़ा ये तो बड़े प्यार से खाएंगे, पर घर की चीज़ें डोसा इडली रोटी सब्जी ये सब दाल चावल दे दो तो ज़्यादा नहीं खाते, बाहर की चीज़ें ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं।
खैर बहरहाल ये है कि मेरे घर में ज़्यादा बाहर का खाना कुछ नहीं आता, जो है मैं अपने घर पे बनाती हूँ, मेरे बच्चे घर का ही खाते हैं। हाँ, और हमारे मिस्टर को बाहर का कोई चीज़ पसंद नहीं है, मैं घर पे बनाती हूँ, सब कुछ बनाती हूँ, सब कुछ बनता है। जब बच्चे रहते तभी मैं घर पे सब कुछ बनाती, बच्चे नहीं रहते तो फिर होता है ना किसके लिए भाई बताऊँ, अकेले के लिए तो यार सबको आलस ही आती, मुझे भी आलस आ जाती है, अकेले के लिए मैं क्या बनाऊँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इतना ढेर सारा पूर है, पेस्ट है, इसका इडली भी बन जाएगा, डोसा भी बन जाएगा। अभी मैं सुबह करीब ये बच चुके 11:30 बजे मैं डोसा बना रही हूँ। तो गाइस आप लोग भी इसी तरह बनाइएगा। और डोसे में क्या किया है ना, आप लोग अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को हमारे, ज़्यादा आप लोग डिस्टर्ब मत हो जाइए। जितनी बड़ी कटोरी आप लेंगे उसी के नाप चावल 3.5 कटोरी चावल ले लीजिएगा, 3 कटोरी भी आप लोग ले सकते हैं, और उसमें 1.5 कटोरी उड़द की दाल लीजिएगा, और 2 मुट्ठी या जो कटोरी से आपने चावल ले उसी 1 कटोरी आप पोहा ले लीजिए, और सबको अलग अलग भिगाइएगा। दाल और चावल तो अगर आपको डोसा बनाना है तो दाल और चावल दोनों को एक में मिक्स करके भिगा दीजिए, 3 कटोरी चावल और 1 कटोरी दाल ले दीजिए। पोहा अगर आप मिक्स कर रहे हैं 1 कटोरी तो उसमें 1.5 कटोरी उड़द की दाल डाल दीजिए धुली हुई, ठीक है। ये एकदम परफेक्ट नाप है, नाप में कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, एकदम परफेक्ट नाप है। बहुत ही अच्छा डोसा बनेगा, बहुत ही बढ़िया डोसा बनेगा, झटपट 5 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। केवल ये है कि इसको 5-6 घंटे आप भिगा के रखेंगी तभी ये अच्छे से बनेगा, और नहीं तो बनने में दिक्कत। जिस टाइम आप पीस लेंगे उसको 10 मिनट के लिए रख दीजिए, 15 मिनट के लिए रख दीजिए, और तुरंत पीसिए, 10 मिनट के अंदर तुरंत डोसा गर्मा गर्म बनाइए। हमने 10 मिनट में डोसा बना दिया है। यहाँ नारियल की चटनी में कलर लेने के लिए हमने इसमें आप लोगों को दिखाया ही था, नारियल की चटनी में हमने रेड मिर्ची डाल दिया क्योंकि कलर थोड़ा हो जाए, वाइट हमेशा रहता, तो हमने लाल कलर का करके डाल दिया है। अभी इडली डोसा सांभर सब कुछ बन चुका है, खा लिया है और सबको अपने घर में फटाफट खिला दिया। सारे काम निपटाने के बाद अब मैं पहुंच चुकी हूँ संडे मार्केट। तो ये देख लीजिए कितनी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ तो मैंने खरीदी नहीं क्योंकि मुझे खरीदनी नहीं है, पीतल लगा हुआ। पर मार्केट हम गए थे तो हमारी फ्रेंड्स भी साथ में गई थी, हमने कहा तुझे जो लेना ले ले, मैं तो नहीं लूँगी क्योंकि पीतल लगा, मुझे कुछ खरीदना नहीं, केवल मैं वही साग सब्जी जो घर पर नहीं वही मुझे लेकर जाना है। मन तो था, देखने बाद मन हो ही जाता लेने के लिए, मैंने कहा चलो अगले संडे आऊँगी तो ले लूँगी। हम ब्लाउज भी बड़े प्यारे प्यारे थे, पर ब्लाउज की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ना ये जो रेडीमेड जितने ब्लाउज आते हैं बड़े बेकार से रहते हैं, मत बहुत चुपते, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद है। मैंने कितने सालों के बाद पहली बार खरीदा है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया रेडीमेड ब्लाउज। इससे अच्छा 1000 रुपये सिलाई जाए, 500 रुपये सिलाई जाए, आप ब्लाउज जो साड़ी में ब्लाउज आता है ना उसी को देकर सिला लेना चाहिए, इधर उधर नहीं परेशान होना चाहिए क्योंकि सिला हुआ ब्लाउज बिल्कुल बेकार होता है। डिजाइन पे अगर हम लोग चले जाएंगे, डिजाइन बन जाएगी, अच्छी लगेगी पहनने की, चलो हमारा फैशन बन गया, हमारी साड़ी का मैच, इमरजेंसी के लिए ठीक है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए ब्लाउज बना के रखना है तो आप अपनी साड़ी का ब्लाउज बनाइए और उसको अच्छे से रखिए और उसी को पहनिए, ज़्यादा बढ़िया है। रेडीमेड ब्लाउज सिला हुआ बिल्कुल मत देखिए क्योंकि कहीं से छुटता है, कहीं छोटा है, कहीं बड़ा है, कहीं सिलाई नहीं अच्छी, कहीं वहाँ उसका हुक निकल रहा है, कहीं बंधन उसका निकल रहा है, बोलते हैं ना रेडीमेड रेडीमेड होता है। हाँ, अभी यहाँ पहुँच चुकी हूँ दोस्तों मैं चूड़ियाँ की दुकान में। चूड़ियाँ यहाँ पर बड़ी प्यारी प्यारी है, कंगन में है और हमें लेना नहीं है, मैंने फिर से बता दिया। यहाँ पर लेस मिल रहे हैं क्योंकि ब्लाउज अभी दुर्गा जी आ गए, नवरात्रि पूजा दुर्गा जी बैठने वाली है, तो यहाँ पर बड़े प्यारे प्यारे लेस है क्योंकि लेस लगा के ब्लाउज का भी बहने से बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब मैं पहुँच चुकी हूँ अपने घर, करीब बज चुके 7:30 बजे का टाइम। क्या कहीं पुराण में लिखा है क्या, पूरी कचौड़ी खीर कढ़ी बड़ा दही बड़ा, क्या ये 56 भोग क्या मरने के बाद ही देने चाहिए, क्या कहीं लिखा है क्या पुराण में? कहीं नहीं लिखा है, सब अपनी अपनी सोच होती है। जीते जी तो बहुत तकलीफ देते और मरने के बाद 56 भोग। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत 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 ही अच्छे होंगे। ये हमारी वीडियो संडे की है जो मैं शूटिंग कर रही हूँ, और अभी एडिटिंग नहीं किया है क्योंकि अभी वीडियो मेरी बहुत ढेर सारी मेरे पास रखी है। आप लोगों को पता है तबीयत ख़राब है मेरी माँ का, तो मेरा मन नहीं कि आज मैं नीचे गई हूँ, घूमी हूँ, दोस्तों ढेर सारी बातें करी, और मेरे सारे दोस्त मुझे डांट भी रहे थे तो क्यों परेशान हो रही माँ, तेरी अच्छी हो जाएगी माँ। हम लोग मेरे सारे दोस्त बोल रहे थे कि हमारी दुआएँ तेरी माँ के साथ में है, तो मैं अपने उन दोस्तों को थैंक यू सो मच बोलती हूँ, सबने बहुत दुआएँ दिया सबने। और हमारी YT में भी ढेर सारे कमेंट्स आ गए, मेरी 2-3 वीडियो में कमेंट्स आ गए, जो जो मैंने डाला है कि मेरी माँ की तबीयत नहीं ठीक है, और मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरे ब्रदर सिस्टर लोगों ने, बहुत अच्छे अच्छे आशीर्वाद दिया, बहुत दुआएँ दिया है। तो
उन लोगों को मैं अपने ब्रदर और सिस्टर के थैंक यू सो मच बोलती हूँ। और हमेशा इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए, मैं आपको सपोर्ट करती रहूँ। और अभी तो ज़्यादा कुछ मैं वीडियो में डालूंगी नहीं, थोड़ा ही बस ऐसे ही डालेंगे, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है। पर यह है कि थोड़ा मैं नीचे निकल गई, मार्केट में कुछ सामान लेना नहीं है तो जाना ही, जो रूटीन है उसको फॉलो करना ही हो तो करना ही करना है, आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो ज़्यादा कुछ वीडियो में अभी आप लोगों को मिलेगा, बस ऐसे छोटी सी वीडियो 5 मिनट 10 मिनट की, 5 मिनट 60 मिनट की वीडियो आप लोगों को मिला करेगी, ऐसे मैं डालूंगी। अच्छी वीडियो मिलेगी आप लोगों को जब मेरी माँ की तबीयत अच्छी हो जाएगी, मैं बहुत अच्छे से वीडियो आप लोगों को शूट करके शेयर करूँगी आप लोगों से, ठीक है। क्योंकि ज़िंदगी में कुछ रखा नहीं है, लोगों को बहुत घमंड है, बहुत अहंकार रहता है। आदमी कहता है ना, अहंकारी इंसान का जो अहंकार करता है ना, एक दिन उसका अहंकार ऊपर वाला बैठा है वो चूर चूर कर देता है। बोलते हैं ना कि इंसान की लाठी में आवाज़ है पर भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं है। कोई भी हो, कोई भी हो, शायद मेरी बात सुन के किसी को बुरा भी लगेगा, मुझे किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचा दे मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है। मैं केवल अपनी इच्छा, अपनी मन, जो मेरे मन में बात है, मैं उस बात को आप लोगों से व्यक्त कर रही हूँ, उस बात आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और चलिए फिर अब आप लोगों से मिलती हूँ बड़े से ब्रेक के बाद, और चलिए एक बातें और कर लेती हूँ आप लोगों से अभी। चलिए माँ बाप के ऊपर ही बातें कर लेते हैं, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत ख़राब है तो थोड़ा मेरा मन जो है बार बार अपने मम्मी पापा के ऊपर ही जाता है। तो सबकी दुआएं तो ठीक है, सब दुआएं दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरे मन में भाव आ रहा है, मेरे मन में ये विचार आ रहा है, जब बच्चे छोटे रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, माँ बाप पास में रहते हैं, बच्चों को ज़रूरत रहती है माँ बाप की, ठीक है। बच्चे छोटे छोटे हैं, ठीक है, स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो छोटे छोटे तो बच्चे तो हैं, तो बच्चे क्या, बच्चों को ज़रूरत रहती माँ बाप की, ठीक है। एक टाइम ऐसा आता है जब बच्चे बड़े हो जाते तो थोड़ा सा कॉलेज गए, फिर कॉलेज गए, फिर थोड़ी दोस्त, नए दोस्त मिल गए, फिर कॉलेज से सर्विस पीरियड आया, सर्विस मिल गई, तो वहाँ सर्विस के जहाँ रहते हैं, जहाँ नौकरी, जो कंपनी या गवर्नमेंट प्राइवेट जहाँ भी, वहाँ का सर्कल मिल गया, तो थोड़ी अपने मम्मी पापा से थोड़ी 5-10 के से दूरी, धीरे धीरे दूरी होती जाए। फिर एक समय ऐसे आ जाता है उनकी हो जाती है शादी, तो एकदम अलग हो जाता है, मतलब पूरा बदल जाता है, सब कुछ बदल गया, ठीक है। माँ बाप एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, कोई नहीं, बच्चा मेरा जहाँ भी रहेगा वो सुखी रहेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। समय बीतता चला गया, समय बीतता चला जाता है, समय किसी का इंतजार ना करता है, ना मेरा, ना तुम्हारा, ना किसी तीसरे पर्सन का, किसी के, समय अपना चलता चला जाता, समय निकल गया, ठीक है। फिर एक समय ऐसा आया कि माँ बाप ऐसी स्थिति में आ गए, उनको अपने बच्चों की ज़रूरत पड़ती है कि आज मैं इस अवस्था में, इस उम्र में पहुँच गया हूँ, ऐसी स्थिति है, मेरे बच्चे मेरे पास रहें, बातें कुछ बोलना है, कुछ मुझे कहना है, कुछ बताना है, मेरे पास बैठे कुछ बातें करें, ठीक है। फिर क्या होता है, क्योंकि बच्चे तो दूर हो गए, माँ बाप चाह के भी बच्चों से नहीं बोल पाते हैं, हाँ। फिर उसके बाद क्या होता है उसमें कि जिस एज में, जिस अवस्था में माँ बाप रहते हैं, उसी अवस्था, उसी एज में जब बच्चे आते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को आप लोग, उसी अवस्था, उसी एज में जब बच्चे आते हैं तो सोचते हैं मेरे माँ बाप मेरे पास रहें। माँ बाप तो हैं नहीं, माँ बाप तो चले गए, आज याद आई है आपको अपने माँ बाप की कि माँ पापा आज मेरे साथ होने चाहिए। फिर क्या करता है अगला इंसान, ये करता है कि आज पित्तल लगा हुआ है, आज अमावस्या है, तो अच्छा अच्छा खाना है, पीना है, जो भी घर में चीज़ें बने, चिड़िया को लोग खिलाएंगे, कौआ को लोग खिलाएंगे, कुत्ते को खिलाएंगे, क्यों, क्योंकि अवस्थे में पहुंच जाने के बाद तुम्हारी सोच भी उसी तरह हो जाती है कि हमारे पास भी कोई होना चाहिए, आज मेरे माँ बाप मेरे पास होने चाहिए। जब आप खिला रहे, तो आज की दुनिया ऐसी है, जो पक्षी है, कौआ है, चिड़िया, उसी में अपने माँ बाप को लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं। जीते जी पानी नहीं दिया तो मरने के बाद क्या ज़रूरत है इस तरह ढोंगा चार करने के लिए आप लोगों को। जो इंसान जीते जी ना पूछे तो मरने के बाद क्यों ये दुनिया के चोचले करते हैं, ठीक है, इस तरह तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं मानती हूँ दुनिया ये संसार ये बना हुआ है, कुछ नियम है, कुछ कानून है,
मानती हूँ मैं, ये बात सही है, रीति है, रसम है, हम भी फॉलो करते हैं, आप भी फॉलो करते, तीसरा व्यक्ति भी फॉलो करता है। मैंने जो कुछ बताया, मैंने अपनी सोच बताया है, मैंने जो मेरे मन में भाव आया मैंने उस भाव को बताया है, उस चीज़ों को व्यक्त किया है। शायद ये वीडियो देख के बहुत से लोगों को अच्छी भी लगेगी, नहीं भी लगेगी, अगर जिसको नहीं अच्छी लगेगी, अगर मेरी बातें खराब लगेगी, नहीं अच्छी लगेगी, तो मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने मेरा कोई मकसद नहीं है, ठीक है। आई होप वीडियो को मैं यहीं पर बंद लास्ट करती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर वीडियो में कुछ गलती हुई, कुछ मैंने गलत बोला होगा, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, ठीक है। ये केवल मैंने अपनी बातों को व्यक्त किया, इसमें बहुत कुछ अगर सारांश निकाल के आप लोग देखेंगे तो इसके अंदर का बहुत बड़ा निचोड़ निकलेगा, इससे कुछ सीख मिलेगी, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।